हेलो गाइस, तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे अनु सिंह 13 कुछ काम कर रही हैं अपना, और हम लोग आज काशिप के घर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। और इधर भाई साहब कुछ कर रहे हैं, पेंटिंग वगैरह। तो पेंटिंग कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ अपने, बस ओके। रीमास्किंग कर रहा हूँ मैं तो। और अनु सिंह क्या कर रही हैं आप? तुम आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट किए? बिल्कुल, हम सोचे कि स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं भी रील्स बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अनु सिंह 13 के चैनल पे मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। मंडे से मेरा रील्स आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलिए। रियल ब्लॉग है क्या ये? बिल्कुल। तो अभी हम लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा। रियल है तो नहीं, तो मेरा पूरा मुंह की गंदगी दिखा देगा तू, पूरा दिखा दो भाई। तो अभी हमारा कुछ काम था, तो हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। ये मेरा ब्लॉग है ना, मेरे चैनल पे, तो मैं भी कुछ बोल दूँ फिर? हाँ तो बोलना। तो अभी हम लोग आए हैं काशिप के घर, एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काशिप के घर इसलिए आए क्योंकि हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम अचानक से पड़ गया, तो हम लोग आए। हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ी देर में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आई एम वेरी थैंकफुल कि ज्ञान ने मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया। बहुत टाइम से मैं आई थिंक ना यहाँ पे ब्लॉग नहीं करी थी ना, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम तुम्हारे पापा का बर्थडे था, तभी शायद मैंने ब्लॉग किया था। मे बी यार ईद था, है ना? तो ईद तो मैं आई नहीं थी, ईद पे तो आई नहीं थी, सॉरी। तो बहुत अच्छा लग रहा है ज्ञान आपने मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया, और कैमरा तो आप पकड़े हो इधर उधर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है फेक ब्लॉग है ये। फेक ब्लॉग क्या मतलब क्या? अरे यार ये ऐसे भी तो कर सकता है। तो मैंने आज ये ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो जब तक ये वीडियो आएगा यूट्यूब पे, तब तक मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हो चुका हूँ, तो आप मिल सकते हैं। कांग्रेचुलेशन टू यू ज्ञान दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंस्टाग्राम, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू विल अचीव मोर एंड मोर सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू अनु सिंह। तो बाकी लोगों को दिखाओ ना, बाकी सब क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब कुछ मेरे इसका मत दिखाना, नहीं तो फिर वो मुझे बहुत बोलेगी। ये अपनी बहन की तस्वीर को बिगाड़ रहा है, ये देखो, ये अपनी बहन को, ये अपनी बहन की तस्वीर को क्यों बिगाड़ेगा? देखो ये क्या कर रहा है, ये फोटो उसका निकाल के, और उसके बाल को पता नहीं क्या क्या कलर का क्या। यार काशिप मत कर यार ऐसे, क्या कर रहा है? हम दोनों, मैं जा रही हूँ बताने, यही बात कर रहा था मैं, क्या बाहर तो बता रहा था समरीन को की लड़की कहाँ से इसकी जिंदगी में आ गई, जिसकी फोटो देख रहा है इतना गौर से। क्या कर रहा है यार, ऐसे कोई नहीं करता किट्टू, ढक ढक कर रहा है। तो गाइस देखो ये कितना बुरा भाई है, अपनी बहन की फोटो को एडिटिंग करके ऐसे बेकार बना रहा है, और आई थिंक ये स्वीटी दीदी है ना। तो गाइस अब व्लॉग स्टार्ट हो ही चुका है, तो मैं आपको बाकी चीजें दिखा देती हूँ, एंड चलो मैं दिखाती हूँ आगे क्या हो रहा है उधर। सो गाइज ये है समरीन अली जो कि रेडी हो रही है शूट के लिए। हाँ, शूट स्टार्ट हो गया है, और शूट स्टार्ट हो चुका है, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, और अब जो है टाइम अभी जो है वो हो रहा है 3:30, और पहले पंखा बंद करेंगे हम, आप बताते हैं। हाँ, बहुत आवाज आ रही है। और रात 3:30 कब के हो रहे हैं ये तो बताओ, रात के सुबह हो चुके हैं, ये होता सुबह हो चुकी है, सुबह के 3:30 हो रहे हैं, और बिल्कुल हम लोग जो है रात में शूट अपना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा और लोगों को भी पता है हम लोग रात में स्टार्ट करते हैं। बहुत हेक्टिक शेड्यूल है ना, हेक्टिक तो है लेकिन फिर भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए। तो नई वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, और अभी क्या हो रहा है, और आप लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी भाई, शूट हो रहा है घर में, ये देखो भैया रूम कितना गंदा पड़ा हुआ है, ये समरीन रूम में ऐसे प्लीज छी यार साफ तो कर लिया करो, शूट के टाइम पे गंदा होता है थोड़ा। और ये कुक विद नगीना जो कि आराम फरमा रही है। ओहो हो गया, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है चलिए अब चलते हैं कहीं। फ्लैश लाइट ऑन था यार। तो गाइज ये है मेरा हुलिया जो कि मैंने बना रखा है, आज मैंने ये पहन रखा है, ये मेरा आउटफिट है, आउटफिट ऑफ द डे, एंड यू कैन सी दिस इज सो प्रिटी। और ये है काशिप का, और ये है स्वीटी का। और बस आज आप लोग हमेशा से बोलते हो कि यार स्वीट समरीन का कपड़ा पहन लेती है, तो मैंने आज समरीन का कपड़ा नहीं पहना है, आज मैं स्वीटी का एक आधा स्वीटी, हाँ इतनी ज्यादा डर है आप लोगों से तो मैंने इसलिए नहीं पहना है आज, तो मैंने आज दो लोगों का कपड़ा मारा है, ऊपर का अलग है नीचे का, ऊपर का अलग नीचे का अलग, कुछ ज्यादा ही घटिया लुक है।
पता है सूट का क्या कहते हैं पजामा पजामा है ना और ये टी शर्ट है। तो गाइस ये है मेरा लेफ्ट लुक और आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। ये उर्फी जावेद है आराम उर्फी जावेद का लुक पूरा अलग होता है। कभी वो कैंडी लगा लेती है उसी से खाने भी लगती है ना खा रही थी एक वीडियो में। डर लग रहा था आपको अपने आपको भरोसा दिला रही थी बेचारी अम्मी। अरे यार कौन है यार मत कर ये कैसी इधर डर लगता है इस वाले रूम में यहाँ सामने से एकदम बिल्कुल यही नजारा दिख रहा है। हम लोग ब्लॉग कर रहे थे आपका लाओ दिखाओ मेरा रूम दिखाने दो कैसा लग रहा है। तो गाइस ये है मेरा सीक्रेट अभी ये पूरा बना नहीं है अभी बनाने का इस पे लोड मत डालो यार ये okay. चलो भाई जाओ और डराओ मत ओके तो मैं बस निकल रही हूँ ढूंढने के लिए और इस बार मैं तुम्हें ढूंढ के निकाल दूंगी कहीं से भी देखते हैं। दिमाग अभी तक तुम्हारे पास आया नहीं है जो तुम मुझे ढूंढ सकोगी ठीक है। और सुनो टेन टेन नहीं भाई टेन में नहीं होगा फिफ्टीन दो ठीक है चलो तो चलो मैं आ रही वैसे मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है ये इस बातों में तुम्हें ढूंढ के निकाल दूंगी घर में कहाँ ही छुपोगी तुम। हाँ हाँ ठीक है चलो जल्दी से आ जाओ यार ठीक है गर्मी इसका मतलब तुम कहीं गर्म जगह चलो ठीक है फिर मैं बस अभी आई चलो अब चलते हैं ढूंढने। तो गाइज अभी आपने देखा कि समरीन जो है उसको ढूंढना है उसको टास्क मिला है कि उसको स्वीटी को ढूंढना है और वो छुपी हुई है कहीं इस घर में और मुझे तो पता ही वो कहाँ छुपी हुई है क्योंकि मैं इसके पहले उनको डराई भी थी वो डर भी रही थी। तो लेट्स सी कि समरीन ढूंढ पाती है नहीं तो अभी वो गई है ढूंढने तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ढूंढ रही है। उधर नहीं होगी यहाँ पर जो जगह है वहां पर तो मुझे लगता है छुपने की कोई भी जगह है यहाँ पर तो चलो चलते हैं यहाँ पर से आ जाओ। किचन और मैं दिमाग भी लगा पा रही मैंने बोल तो दिया था कि मैं ढूंढ के निकालूंगी लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा और यहाँ तो मैं छुपी थी यहाँ तो होगी नहीं अंदर यहाँ देखते हैं। बेचारी परेशान हो रही क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है और 10 मिनट में उसको ढूंढना है चारों तरफ ढूंढ रही मिली नहीं क्योंकि वो सामने ही वो पहचान भी नहीं पा रही है कि वो वही है तो ढूंढ लेगी बट थोड़ा टाइम लगेगा देखते हैं। भाई तुम्हें क्या लग रहा है कि समरीन ढूंढ पाएगी अपनी बहन को या नहीं या वो मिलेगी ही नहीं। जी यार मेरे को भाव नहीं दे रहा भाई तू तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहा। मैं बोल रही हूँ कि समरीन ढूंढ पाएगी या नहीं अपनी बहन को ढूंढ पाएगी शायद थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा सामने ही है लेकिन पता नहीं चल रहा है ना क्योंकि वो कचड़े में छुपी हुई है वही तो चलो इसके पीछे तो कोई घर बन नहीं सकता है। बोलो यार सेम ही जगह पे यार समझ में नहीं आ रहा है टाइम भी तो मेरे पास नहीं है टाइम भी नहीं है बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है भागो जल्दी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ छुपी हुई है मुझे तो पता है क्योंकि समरीन को तो पता नहीं है। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा लग रहा है गर्मी हो रही है कुछ ज्यादा ही फिर पूरे घर में ढूंढ रही है कह रही है कहाँ है पता है क्योंकि ये पता है यहाँ पे बॉक्स पहले से रखा हुआ था ना पीछे कचड़ा उसको वो पीछे वाले वॉशरूम में चेक करने गई है क्या हाँ। नहीं मिली नहीं अभी जा रही हूँ उधर देखने की बहुत वो है यार इधर बाप रे बहुत ज्यादा गर्मी है। अरे उन्नू समझाता क्या मुझे हाँ? समझाता क्या
देखो इतना बड़ा बनाएगी तो फिर तो कोई भी देखे। लाइट वाइट लगा के बिल्कुल शादी वाला घर बना दिया है। ये बोलो, तुम ये बोलो कि अरे यार चुड़ैल लग रही है ऊपर से। और इतने घर बनाया था आगे से तो बंद कर लेती, मैंने वहां से देख लिया था तुम्हें। हाँ इधर मुझे लग ही रहा था कि तुम देख लोगी इधर से। सीन है और मैं जीत चुकी हूँ, तुम हार गई है। कोई बात नहीं, पहली बार जीती हूँ तो खुश हो जाओ, हमेशा तो मैं ही जीतती हूँ। और वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर, मैंने पूरा घर 10 मिनट से ज्यादा हो गया। मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर कर लिया था, मेरे 10 सेकंड बचे थे अभी। बताना तुम जरा, 10 मिनट के अंदर हुआ? 10 सेकंड्स के अंदर भाग कर आया तुम्हें, मैंने वहां से देख लिया। वो देख ली थी वैसे, देख चुकी थी 50 सेकंड पहले ही। और मैंने लोगों को भी बता दिया था कि मैंने ढूंढ लिया, तो बस वो धप्पा करने वाला थोड़ी ना था। आज मेरा वो ही लक खराब था, सारी चीजों में आवाज आवाज सब कुछ खराब हो रहा था। यस यार बहुत मजा आ रहा है। एक्टिंग करो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी है वो ऐसे करती है। और वो वाला वीडियो में जो तूने लास्ट टाइम भेजा था क्रॉप करके सिर्फ, अच्छा वो ही तो कर रही थी तो तेरे लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रेखी अखियों से गोले मारे। नहीं भाई नहीं, इससे ऐसा नहीं हो पाएगा मेरा मैच। ये लगेगा, ये अच्छा है, खूबसूरत बिल्लू है ये। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बोलेगा। अरे दिखा, हाँ अनु सिंह 13 मुझे बहुत गंदी लगती है, हमेशा मुझे बुरा बुरा बोलती है ये। इसके सामने तो मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, मुझे देखनी भी नहीं है। ये भी मकासा, दूसरी मकासा। और ये है तीसरे मकासू, ये है बिल्ला। बिल्ला कहीं का हमें? तू तू ना उसका उसकी उसका पति है तू, वो लड़का है। अब तो ये पत्नी हो गई, सॉरी। सो गाइस यहाँ पे चाय बन रहा है, और चाय बना रहा है ज्ञान, सबके लिए चाय बना रहा है। ज्ञान बहुत अच्छा चाय बनाता है। यहाँ पे कप करना। अरे अरे अरे, डर कैसे रहा है ये? मत डराया काशी, अब नहीं डर रहा है। बेचारी जमीन सबसे परेशान है, कोई नहीं ये सोच ले। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे भाई? सिक्सर पार्ले मोनाको समथिंग मोनाको। एंड उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर रस्क भी खाने जा रहे हैं चाय में डिप करके। एंड उसके बाद हम लोग कुछ और भी करेंगे। गाइज मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अभी मैं अपना लेग मसाज कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छा है ये, जिस मतलब इसकी हेल्प से आप कोई भी कितना भी पुराना से पुराना दर्द, कितना भी ज़्यादा दर्द क्यों ना हो रहा, सब पेन रिमूव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। मैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ उसको, आज भी यूज़ कर रही हूँ। देखो देखो ये देखो मसल्स कैसे हो रहा है, लिटरली पूरा मतलब पूरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मज़े तो इन्हीं के चल रहे हैं। चाय के साथ रस्क एंड ये देखो गाइस आपकी फेवरेट तस्वीर जो कि एडिट कर रही हैं अनु सिंह। एडिट नहीं कर रही, इसको भूत बना रही हूँ मैं, समरीन को। ओके तो गाइस ये समरीन की तस्वीर, इसको मैं भूत बनाऊंगी क्योंकि इसकी बड़ी बहन को तो उस काशिप ने भूत बना ही दिया, तो यही एक बची है, तो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहन का शक्ल बेकार किया है तो इसका भी बेकार मैं करूंगी। और ये तीसरा वाला कप किसका है? तीसरा वाला काशिप का है ना, वो खाता नहीं है। ओके बना लेता, बस वेस्ट कर रहा है। कुछ कहना है आपको? नो, इधर भी नहीं कहना, कुछ कहना है ना, इतना सेलिब्रिटी का वो मत करो, ठीक है? ऐसा कर रहा है, इधर आना। क्यों
गाइस इसकी दो बहनें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यू नो थोड़ा सा दिमाग उनका सटक गया है, मतलब इधर से इधर चला गया, इधर का इधर चला आया, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज होती है कि क्या कहना है और क्या बोलना है और क्या सुनना है, क्योंकि कान भी इधर का इधर आ गया और इधर का इधर आ गया है। तो गाइस कुछ ही दिनों में इसका इलाज मैं ही आविष्कार कर रही हूँ इसका, तो कुछ दिनों में सही हो जाएगा, फिर मैं आपको उनको अच्छे से आपके सामने पेश करूंगी, प्रस्तुत करूंगी कविता के फॉर्म में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप अपना इतना सारा प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, आईडी मेंशन मैंने कर दी है स्क्रीन पे, तो जल्दी से जाओ फॉलो करो और शेयर भी करो, कमेंट भी करो, और अपने स्टोरी पे भी शेयर कर देना और अपने दोस्तों हर जगह शेयर कर दो। यहाँ पे मैं काम करके थकी हुई हूँ, बैठी हुई हूँ, और ये यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। क्यों खुशी होती है इन सबसे पता नहीं, छोटे बच्चे ऐसे नहीं करते रहते थे हमेशा, इसमें रील्स बहुत अच्छा बनेगा। हम लोग भी करते थे 20 रुपए का, पहले हम लोग बताए सर्फ वगैरह, फिर साबुन को हाथ में लगा के और ऐसे फूंकते थे तो 2-3 निकल जाता था, अच्छा लगता था। मगासा देख लेता पगला जाता। मगासा तो मगासा सो रहा है, मगासा अंदर है, सो रहा है, सोफा पर सो रहा है। ये तो नहीं बनेगा, बन चुका भाई, बन चुका। चलो तो गाइज हमारी लेट नाइट पार्टी हो रही है, ये क्या है, सुबह हो गया। हाँ तो वो लेट नाइट ही कहलाएगा, समझा, बड़ा आया। और ये है ब्रेड सैंडविच जो कि पता नहीं क्या चीज से स्वीटी दा किचन में बनाया गया है, और स्वीटी दा किचन ने बोला था मेकअप करेंगी, तो क्यों नहीं करी, सॉरी टाइम नहीं होता। समरीन तो एकदम हैप्पी हैप्पी, दो यार कितनी गंदी है यार, मैं तो लोगों को दे रही थी। अच्छा लोगों को ला ला, लोगों को दो और जरा जाओ, थैंक यू, तुमको जला वाला मिल गया, वाओ। अच्छा मेरा वाला क्या, कौन ले लिया, वाह, सॉस डालो सारा इतना ही है। अरे चलो भाई मैं खाते खाते इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, और नहीं वो गंदा था, ये ज़्यादा अच्छा है। तो चलो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे, खाते खाते सब लोग खा रहे हैं, मस्त बिजी हैं। और गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बाय। इतनी गंदी एंडिंग हो रही है ना।